मित्रों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं नु त्रिपाठी, आज मैं आपसे ही बात करूंगा कि सबसे पहले हरियाणा राज्य को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष से जीत को हासिल किया। माननीय कश्यप पाल जी के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई, मुझे सुबह सुर्खियों में कई लोग बार बार कह रहे थे, लेकिन जब तक मैं एकदम भरोसा नहीं कर लेता हूं तब तक मैं वीडियो जारी नहीं करता हूं। जब मुझे रात्रि में सब कुछ क्लियर हो गया, कृष्ण जी से बात हो गई, तब मैंने वीडियो जारी किया कि आज हरियाणा चौकीदारों का समाधान हो चुका है, जिसमें हरियाणा के चौकीदार को खट्टर सरकार, वहां पे भी बीजेपी सरकार है, 11,000 रुपए मानदेय, 4,000 रुपए वर्दी भत्ता और 2,00,000 रुपए सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन का भी प्रावधान है। अब आप सोचिए कि हरियाणा के चौकीदार, वो चौकीदार की मैंने खुद ही उनसे बात करने का प्रयास किया, बात कृष्ण जी से, उसमें भी एक बंदा है कोई वीरेंद्र करके, वो बार बार हमेशा चाहे अच्छा हो या बुरा हो उसका एक मानसिकता में गोबर भरा हुआ है, वो मेरी बुराई करने से पीछे नहीं हटता। वो व्यक्ति उसमें भी ये झूठ बता रहा है, कह रहा है कि वो हरियाणा के चौकीदार नहीं है कृष्णपाल, फर्जी खबर बना के बता रहे हैं, ये वो दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। यही सब लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के चौकीदारों का सर्वनाश करने का कार्य किया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये कृष्णपाल जी खुद ही आने वाले समय में अपने वीडियो से बयान कर देंगे। 2 साल से कृष्ण भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका कहना है कि मैंने आपकी वीडियो से देख करके मैंने अपने संगठन को तैयार किया, मजबूत किया, आपकी वीडियो को देख देख करके मुझे मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिली और मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा, तो आज मैं जीता। बल्कि कृष्णपाल जी का ये कहना है कि अनु भैया ये जीत आपकी है, मेरी नहीं। तो कृष्णपाल जी को मेरी तरफ से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे लोग, हम जैसे व्यक्ति को अगर सफल होने के बाद भी अगर याद कर रहे हैं तो शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हूं। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश के जो कुछ ही चौकीदार हैं जो जीतने के बाद हो सकता है अपने अनु त्रिपाठी का नाम ले लें दुआओं में, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरा नाम भी लेंगे। सब जीतने के बाद सब अपना अपना श्रेय दिखाएंगे कि मैंने ये झंडे गाड़े हैं। तो ये सब चीजें जो हमारे हरियाणा के चौकीदार अगर हमारा इतना सा भी नाम ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि शायद मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ ने मिला। और कृष्ण जी ने भी बहुत मेहनत की, इसके अलावा भी चौकीदारों ने भी हरियाणा की बहुत मेहनत की, संघर्षशील व्यक्ति हैं, तिरंगा यात्रा की। आप यकीन नहीं मानेंगे, उत्तर प्रदेश को सफलता क्यों नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं 2 साल से मुकदमा के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसके लिए मैं इतना बड़ा दुश्मन बन गया हूं लोगों का कि लोग ये समझ लीजिए कि मुझे गाली तो छोड़िए, धमकी से लेकर सब कुछ दिया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं समस्त गरीब तमाम चौकीदारों के लिए कार्य करता हूं, जिनके पास में झोपड़ी है, जिनके पास में घर मकान नहीं है, जिनके 2 वक्त का खाना नहीं चलता, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं सबकी सुन रहा हूं। प्यारे मित्रों, आज आपके जो भी पदाधिकारी नेता बने बैठे हैं उनको तो मैं नेता कभी ना बोलूं, लेकिन मजबूरन में भी बोलना पड़ता है। इन लोगों के तो घर में सरकारी पैसा आ रहा है, किसी की बीवी सरकारी नौकरी कर रही है, किसी का बाप कर रहा है, ये चल रहा है, तो भाई इनको 2500 में क्या फर्क पड़ना, भाई पड़े जैसे नोट उनको मिल रहे हैं। और आप सोचिए तो आपके हित में क्यों चाहेंगे कि आपका हित हो जाए, भाई उनको नेता बनना है, उनको राजनीति करना है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी से जुड़ करके पार्टी का सहयोग कर रहा हूं और पार्टी से सहयोग ले रहा हूं। प्यारो मित्रों, आज मैं सिर्फ आपसे लास्ट एंड फाइनल एक ही बात कहूंगा, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर मुकदमे किए हैं, अगर आप मुकदमे वापस ले लेंगे एक एक लोग मिलकर के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय योगी जी इस पर विचार जरूर करेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। आप खुद सोचिए कि जिससे आपको आशा है मिलने की, आप उसके खिलाफ अगर उतरेंगे तो आप ये बताइए रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई सरकार तो सीधे कहेगी कि आपने मुकदमा किया है, मुकदमा जीती है तब लीजिए। आज मुकदमा करने के कारण आज यहां पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चौकीदार निराशा में है। और ये लोग बिहार और झारखंड की बात करते हैं कि वहां मुकदमा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मेरे भाई खाली वहां मुकदमा से झंडा नहीं गड़े थे। बिहार का अगर कोई चौकीदार भाई हमारे इस वीडियो को देखे, वहां पर उन लोगों ने संघर्ष कितना किया ये अंदाजा नहीं होगा आपको। और बात करते हो मुकदमा से आजादी मिलती है,
क्यों बेवकूफ बनाने में लगे हो, क्यों इस चौकीदार विभाग का सर्वनाश कर रहे हो। मैं अपने वीडियो के द्वारा इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चौकीदार विभाग का शोषण करेगा, चाहे वो दीवान हो, चाहे मुंशी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वो चौकीदार के नेता हो, कौन हो, इतना याद रखना कि अगर जुल्म ढाओगे हमारे इन तमाम चौकीदारों के ऊपर तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं गलत नहीं हूं इसलिए मैं खुलकर के बोल रहा हूं। लेकिन प्यारे मित्रों, तमाम चौकीदार भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाओ, भी समय बहुत बड़ा नहीं बीता है। अगर ये राजनीतिक चंगुलों में इन लोगों के चक्कर में तलवे चाटोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अन्नू को गाली देना आप दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप लोग एक साथ आ जाइए, ये नेतागिरी बंद करिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपका रिजल्ट हरियाणा की तरह आपका भी आएगा। जिन लोगों ने मुकदमा किया है, अगर वो लोग मुकदमा वापस ले लेते हैं तो सरकार को इसमें कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा और सरकार को लगेगा कि चलो कम से कम हमारे चौकीदार ने समझा। फिर चल करके मुख्यमंत्री से मिलकर के गुहार लगाई जाएगी और जो जंतर मंतर पर चल रहे वहां पर जो समाधान होना होगा वो तो होगा ही होगा। तो कार्य ना सिस्टम से किया जाना चाहिए, तभी काम बनेगा। आप ऐसे ही अगर नंगा नाच करते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। भाई मैं 2 साल से मुकदमा के खिलाफ क्यों चल रहा हूं, आखिर क्यों चल रहा हूं, कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है ना। मैंने दुनिया देखी है, मैंने ऐसे डिग्री लेकर के मैं यहां बैठ के भौंक नहीं रहा हूं और ना बातें कर रहा हूं। मैंने भी दुनिया को देखा है, दुनिया को पहचाना है, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं मानी। यही पासवान जी और शुक्ला जी को लगातार मैं इको गार्डन में कान में खूब समझाता रहा, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अन्नू त्रिपाठी की अगर मैं बात सुन लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो अन्नू नेता ना बन जाए। अरे कितनी मानसिकता गंदी है। अरे तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, मेरा चौकीदार समाज, पूरे भारत का चौकीदार समाज आने वाले समय में अन्नू त्रिपाठी को ही अपना नेता और भाई जो भी समझना को समझेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं सत्य के राह पर चल रहा हूं और ये सत्य की जीत जरूर होगी। आज पहली सीढ़ी हरियाणा से शुरुआत हुई, कल मध्य प्रदेश होगा, परसों उत्तराखंड होगा, इसी तरह से यूपी का भी कल्याण होगा। लेकिन बस हमारी बात को मान लीजिए, चमत्कार जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जो रास्ता चल रहे वो गलत रास्ता चल रहे, उस गलत रास्ते को छोड़कर एक सही मार्ग पर चलना सीख जाइए प्यारे मित्रों। भला आपका होगा, वेतन आपका बढ़ेगा, मेरा क्या फायदा, आप जरा सोचिए। मैं हरियाणा के भी समाज चौकीदारों से यही कहना चाहूंगा कि अन्नू का अगर जरा सा भी श्रेय रहा हो आपके साथ, मैं आपसे ना तो धन मांग रहा हूं ना आपसे कुछ मांग रहा हूं, बस आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए कि ये सत्य की आवाज नंबर 1 नंबर का चैनल बनाना है आप लोगों को मिलकर। क्योंकि जिस दिन ये नंबर 1 पर चैनल बनेगा तो मैं लोगों को इंसाफ दिलाने का कार्य करूंगा और इस चैनल के द्वारा जो भी कमाई आएगी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने गरीब भाइयों में योगदान करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि बहुत से घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो कहेंगे कि देखो अन्नू त्रिपाठी चैनल बढ़ा रहा है, तो मेरा जवाब उनको ये है कि पसीना बहाता हूं, मेहनत करता हूं और मेहनत करने वाले को सफल होने का पूरा अधिकार है, लेकिन अच्छा कार्य करने पर। मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं बुरा कार्य नहीं कर रहा। मेरे चौकीदार भाइयों का प्यार आशीर्वाद रहा जनता जनार्दन का, तो एक दिन ये चैनल बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोगों का इतना प्यार है, वो प्यार और प्रेम, वो दुआएं खाली नहीं जाएंगी। लेकिन समस्त हरियाणा के चौकीदार भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग शांत ना बैठिएगा। अभी आपका विधेयक पास हुआ है, कभी कभी सरकार बेईमानी पे भी उतर जाती है प्यारे मित्रों। आप जब तक आपका विधेयक आपके खाते में पैसा नहीं आ जाता है तब तक आप संघर्ष करते रहिए, आवाज को बंद मत करिएगा। आवाज अगर आप बंद कर लेंगे और सोच कर बैठ जाएंगे तो सरकार जानते हो हर जगह नाकामी करती है, तो आपके साथ भी छल हो सकता है। लेकिन फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, समस्त हरियाणा के चौकीदारों के साथ इस सदैव वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया चैनल है। अगर हरियाणा के चौकीदार हमारे जंतर मंतर पर आएंगे तो मैं भव्य तरीके से उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा के चौकीदारों ने संघर्ष किया, मेहनत किया, इसके लिए तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को हरियाणा के चौकीदारों से सीखना चाहिए और एक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को अपने अपने उन नेताओं से जो नेतागिरी कर रहे हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि मुकदमा के नाम जो तुमने पैसा हमसे लिया, ठगी विद्या की है, उसका क्या हिसाब किताब है। आप लोग अपना पैसा वापस लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, तभी ये मुकदमे वापस होंगे। और मुकदमे जब वापस होंगे तो आपको चमत्कार होने में समय नहीं लगेगा, इस बात को याद रखना। या आपका पैसा डूब गया है प्यारे मित्रों, आपके साथ छल हुआ है, उस छल को बंद करिए और सच्चाई के रास्ते पर आइए। एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो भी सुन लीजिए कि एक हमारे भाई ने भेजा है, ये आप
वीडियो को सुनेंगे वो भाई खुद ही पूरा तरीका आपको बता रहा है किस तरह से चौकीदारों के शोषण किए जा रहे हैं थाने पर। इस वीडियो की क्लिप को देख लीजिए और शर्म करिए कि वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया टंके की चोट पर तुम्हारे ये सोशल के वीडियो दिखाता है रिस्क लेकर के। अगर इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं बढ़ा, तो आने वाले समय में नूतन पार्टी को जेल हो जाएगी, तब क्या करेंगे आप लोग? इसलिए कह रहा हूं आपकी आवाज कोई नहीं बन सकता, हर किसी के अंदर मर्दानगी नहीं है। मैं अगर आपकी आवाज हूं ना तो इस चैनल को बढ़ा दो, रात दिन मेहनत करके इतना बढ़ा दो कि मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाता रहूं हमेशा और जनता जनार्दन की सेवा करता रहूं। बस यही आप लोगों से मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ में भगवान बैठे हैं, जो बात कह रहा हूं ईमानदारी सत्य कह रहा हूं, इससे बड़ा भरोसा नहीं दे पाऊंगा प्यारे मित्रों, यही सत्य है। जरा इस क्लिप को देखिए। जय हिंद। सभी भाइयों को जय हिंद। मैं ज्ञानदास मौर्य थाना पैकुलिया जनपद बस्ती से। पत्रकार महोदय जी, ये देखिए पैकुलिया थाना क्षेत्र का ये काम है, जिला बस्ती का, जो कि दीवान जी के द्वारा बहुत उत्पीड़न किया जाता है चौकीदार को और इनसे घासें छिलवाई जाती हैं जबरदस्ती पकड़कर। यहाँ से शंकर और प्रदीप, रामधनी, पवन कुमार और शिव मुहूर्त गुप्ता और मैं ज्ञानदास मौर्य, यहाँ जबरदस्ती घासें छिलवाई जाती हैं भैया, और ना करने पर हाजिरी नहीं लगेगा, वेतन नहीं बनेगा, जबरदस्ती यहाँ गाली भी देते हैं दीवान जी के द्वारा। तो पत्रकार महोदय जी, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो उछाल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।